बोकारो ग्राम पंचायत में पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हालांकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बोकारो में विकास कार्य जलद गति से हुआ है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभिन्न कोषों से राशि लाकर यह संपूर्ण विकास कार्य कराया जा रहा है। इसलिए बोकारो के विकास को देखकर आसपास के ग्राम पंचायत जहां कांग्रेस के सरपंच है वहां के नागरिक भी खुश है। वह आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाने को लेकर सकारात्मक है, इसलिए ग्राम पंचायत बोकारो का विकास जिला परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राउत इन्हें परेशान कर रहा है। इस वजह से उन्होंने शिकायतों की साजिश रचकर यहां के विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने का आरोप बोकारो ग्राम पंचायत के सरपंच भावराव गोमा से एवं कुछ सदस्यों ने लगाया है। नमस्कार दर्शकों, विशेष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मयूर त्रिपुरा आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल हम इस वक्त है बोकारो ग्राम पंचायत में, जो की अभी भ्रष्टाचार के आरोप में है, और इसी बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के जो सरपंच है उनसे बात करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। जिस तरीके से कुछ दिनों से बोकारो ग्राम पंचायत जो है भ्रष्टाचार के आरोप में चर्चे में है, क्या इस सब बारे में मामले में बताना चाहूँगा। ग्राम पंचायत बोकारो की जो इंक्वायरी लगाए, जो गलत तरीके से राजकारण में लाके ग्राम पंचायत को बर्बाद करने के चक्कर में विकास काम रुके है, कोई सचिव आने को तैयार नहीं है, और जैसी जो इंक्वायरी के जो कंप्लेंट करे हमारी, वही हिसाब से सब ग्राम पंचायत चलती है, वही हिसाब से चलने को होना। कहीं ना कहीं ये किसी की साजिश मानी जा रही है। साजिश है ना, साजिश है ना, यहाँ के लोग कुछ मिले जुले हैं, साजिश है। और विकास उनको दिख रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अपना क्या होगा आगे, इसलिए हमको एक महीने से 15-20 दिन से परेशान कर रहे हैं। आज हम 100 लोग लेके कलेक्टर साहब की तरफ निवेदन दे रहे हैं, CO को दे रहे हैं, BDO को दे रहे हैं, यानी बारिश में काम कैसे करना, हमने सचिव नहीं है। अभी जो लाडली बहन जो स्कीम आई है उसके लिए सचिव के कई डॉक्यूमेंट लगते, किसी को नमूना 8 देना है, किसी को कुछ करना है, कर आकर नहीं देना है, कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं रुकावट है। तो हम तो सोच रहे कि एक दो दिन में ग्राम पंचायत बंद करके BDO मैडम को हम चाबी दे देंगे और सब सदस्य सरपंच यही ग्राम पंचायत के सामने आके बैठेंगे। क्या कहना चाहूँगे भाई इस बारे में? पिछले 18 महीने से ग्राम पंचायत में हम लोगों ने अपना अपना पद ग्रहण किया है। सन्माननीय हमारे सरपंच साहब गोमासी जी, इनके मार्गदर्शन में हमने काफ़ी मात्रा में बोकारो के अंदर टोटल 6 वार्ड के अंदर हमने विकास काम किया है, और जिसके माध्यम से हमने लोगों तक विकास की सारी निधि उपलब्ध कराए। हमारे सन्माननीय मेघे साहब ने, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे विकास के काम किए। पिछले कुछ महीनों से और पिछले कुछ दिनों से यहाँ ऐसी ऐसी समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है कि जिस समस्या से हम लोगों तक उनकी सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कुछ पत्र परिषद के द्वारा आरोप हमारे ऊपर लगाए गए दैनिक भास्कर न्यूज़ में, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे ऊपर जिला परिषद के उपाध्यक्ष मैडम, जिनका ये सर्कल है माननीय कुंदा जी राउत, उनके माध्यम से हमारे ऊपर इंक्वायरी का एक अहवाल प्रस्ताव बनाया गया। BDO मैडम के पास उन्होंने उस प्रस्ताव का अपने पद का दुरुपयोग और पावर दिखाने के लिए उन पर प्रेशराइज किया। उसी माध्यम से हमारे सचिवों का उनके ऊपर प्रेशराइज किया कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। उनको डरा धमका कर उनसे सारे गैर व्यवहारिक कांड यहाँ से करवाए गए हैं। उनके माध्यम से आज हमारे आमदार साहब समीर जी मेघे, इन्होंने हमें इतनी निधि प्राप्त दी है हमारे बोकारो के विकास के लिए, लोगों के सभी सुख सुविधा के लिए, कि हम आपको ऐसे शब्दों में बताएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए की निधि 18 महीनों में उपलब्ध करा के दिए सन्माननीय मेघे साहब ने। उसमें से भी हमारे अभी इनके इंक्वायरी के चर्चे के विषय में हमारे कई 4 करोड़ के लगभग काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि इंक्वायरी आप कीजिए, निष्पक्ष जानकारी के साथ इंक्वायरी कीजिए, और इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सभी ग्राम पंचायत में लागू करना चाहिए। जिस कंडीशन से हम गुजर रहे उसी कंडीशन से और भी ग्राम पंचायत के जितने हमारी भाजपा की ग्राम पंचायत बैठी है वहाँ उसी तरीके से ये लोग अपना पद का दुरुपयोग करके उनका फायदा उठा रहे और अपने राजकीय शासन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महिला ग्राम पंचायत सदस्य भी इस वक्त मौजूद है। ताई, जैसे कि सरपंच साहब ने कहा मुख्यमंत्री लाडली योजना है, कई महिलाओं को उसका लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़े, एक महिला होने के नाते क्या बताना चाहूँगा? ये महाराष्ट्र शासन की बहुत अच्छी योजना शुरू है
कि ये लाडली बहन योजना, इसके माध्यम से बहुत सारे महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है और ये अभी इनको विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आगे चल के जो विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं इनमें क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से जो हमारे मेघे साहब है आमदार विकास पुरुष, वो बोखारा में जब से आमदार चुन के आए हैं तब से कामों का उन्होंने जो धड़ाका चालू किया है और अभी भी जो चालू है, तो इनको ये विधानसभा के इलेक्शन ध्यान में रखते हुए उनको नीचे कैसे दिखाना है, इस वजह से ये हमारे पीछे कटकारस्थान कर रहे हैं और हम पे बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं। हमारी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि 770 ग्राम पंचायत में इसी तरीके से पेमेंट किए जाते हैं जिस तरीके से हमारे सरपंच साहब ने किए हैं। अगर कार्यवाही करनी है तो वो उन पूरे 770 ग्राम पंचायत के पे करें, ना कि हम पे। नियम सबके लिए हो, ना कि सिर्फ हमारे लिए। तो ये थे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जिन्होंने आरोपों को सब बेबुनियादी बताया है। कुछ ही दिनों में विधानसभा के जो चुनाव आने वाले, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कुछ दिनों में अभी आने वाला है, तो जनता क्या है डिसाइड करेगी कि किसे यहाँ पे अपना प्रतिनिधि चुनना है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं मयूर तिरपुड़े, बीसीएन न्यूज बोखारा। एनबीसीएन न्यूज के लिए बोखारा ग्राम पंचायत से मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट।